नगर पालिक निगम भिलाई की टीम लगातार बाजार क्षेत्रों में दबिश देकर सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए सख्त कार्यवाही कर रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई के जोन 1 की स्वच्छता टीम ने एक बार पुनः आकाशगंगा के बाजारों में दबिश दी और विभिन्न प्रकार की दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक की तफ्तीश करते हुए जिन दुकानों से सिंगल यूज प्लास्टिक प्राप्त हुआ उसकी जब्ती बनाकर चालानी कार्रवाई भी की। साथ ही बाजार क्षेत्रों के नालियों पर जबरिया अतिक्रमण करके व्यवसाय करने वालों को भी चालानी कार्रवाई करते हुए सख्त चेतावनी भी दी और आगे भविष्य में अवैध अतिक्रमण करके व्यवसाय करते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई करने की बातें कही। कार्रवाई होता देख व्यवसायियों ने अपने अतिक्रमण स्वयं से हटा लिए, परंतु इसके बाद भी उन्हें चालानी कार्रवाई से गुजरना पड़ा। केला मार्केट में आज इस तरह से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 2022 जुलाई से केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन प्रतिबंधित माना गया है, इसको यूज नहीं करना है। तो दुकान व्यवसायियों द्वारा देखा जा रहा है कि इनकी कार्रवाई जो है 3 बार और की जा चुकी है, इसके बाद भी ये उपयोग कर रहे हैं और साथ ही नालियों में अतिक्रमण करके कब्जा किए हुए हैं। लोगों को आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, तो लोगों की आने जाने की जो परेशानियाँ होती हैं गाड़ी निकालने की, उसको दूरापन कर रहे हैं। दूसरी बात, सिंगल यूज प्रतिबंधित पॉलीथीन उपयोग ना करें, इसी के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। भोजन जो है खुले में नहीं रखना चाहिए, इससे जो है नाना प्रकार के कीटाणु भी आते हैं, मक्खियाँ बैठती हैं, उससे डायरिया जैसी बीमारी भी फैलती है। इनको खाना जो है ढक करके रखना चाहिए, जो कि इनके द्वारा ढक के नहीं रखा जाता है। नगर पालिक निगम भिलाई जोन 1 के प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक कमलेश द्विवेदी के नेतृत्व में बुधवार को आकाशगंगा सुपेला बाजार में सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें जोन 1 की स्वच्छता टीम भी साथ में थी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।